जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो वीडियो आ गई हाँ। ओके सॉरी फॉर दैट क्रिंजी इंट्रो। मुझे पता है मैं बहुत बुरा गाता हूँ, आई नो दैट वेरी वेल, बट स्टिल एटलीस्ट टोनी कक्कर से तो बेहतर ही गाता हूँ, सो आई नो, बट स्टिल फिर भी एक बार अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि कैसा था वो इंट्रो। बट आई होप तुम सब उससे एग्री कर पा रहे हो, बिकॉज हियर वी आर विद द सीज़न 2 ऑफ शैडो फाइट 2 नॉर्मल एडिशन। देखो अब सीज़न 2 में बेसिकली हमें करना क्या है, सीज़न 2 में बेसिकली हमें दो सेट्स के साथ खेलना है, मॉन्ग सेट और सेंटिनल सेट। बेसिकली ये पूरा सीज़न इन्हीं दो सेट्स पर डिपेंडेंट होगा, और पूरे सीज़न में हम इन्हीं दो सेट्स के साथ मज़े करेंगे, कभी मॉन्ग सेट का रिव्यू तो कभी सेंटिनल सेट का रिव्यू। और इसी के साथ जो है लगभग समथिंग लाइक 8-9 वीडियोस आएंगी, हफ्ते में एक वीडियो आएगी। बट स्टिल मैं अभी इंट्रो में बता रहा हूँ, एंड में एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो बहुत वक्त से मुझे व्यूअर्स देख रहे हो उन्हें पता चल चुका होगा क्या अनाउंसमेंट होगी, बट स्टिल एक बार रुक जाना वरना फिर भाई तुम रोते रहोगे। एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ सीन क्या हुआ। तो अब से लगभग 2 हफ्ते पहले मैंने सोचा यार अपने व्यू मेरे व्यूअर्स कहते रहते हैं, रोते रहते हैं भाई शैडो फाइट टू खेलो, अब खेलने के लिए कुछ ऐसा बचा है नहीं, तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, मैंने मॉन्ग सेट और सेंटिनल सेट के साथ नहीं खेला हूँ, तो एक काम करते हैं चलो जो चेस्ट ऑफ इटर्नल्स है, तुम्हें याद होगा जो मेरी अटैक ऑन टाइटन वाली वीडियो थी उसका पोस्ट क्रेडिट सीन, उसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि डैम सीरियसली तुम इस पर ये ऑफर दे रहे हो, मैंने जल्दबाजी कर दी आई गेस खरीदने में, बट खैर एनी वे दैट डजंट मैटर एनी मोर। तो उसमें मैंने दिखाया था कि चेस्ट ऑफ इटर्नल्स, बहुत सारे लोगों ने मुझसे डिस्कॉर्ड पर पूछा था भाई क्या करते क्या वाले यार तुम, मैंने कहा देखो जरा सबर करो। तो मैंने तुम्हें बताई छोटी सी हिंट दे दी थी ताकि तुम अपनी थ्योरीज बनाने लग जाओ कि TLP एग्जैक्टली करने क्या वाला है, दो ही चीज़ें कर सकते थे, या तो रेड्स कर सकते थे या फिर रिव्यू कर सकते थे। अब रेड्स मैं पहले कह चुका हूँ मैं अपने ओपिनियन से झुकने वाला नहीं हूँ, तो बेसिकली भाई रेड्स तो मुझसे नहीं होने वाला है, सीरियसली नहीं होने वाला रेड मुझसे। हालांकि पीछे की जो सीनरी है वो दैट्स प्रीटी कूल, एंड ओ शिट ये क्या है ओके मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, रेड नहीं खेलना है, हमें हमारे मेन मोटिव पे फोकस करना है। तो बेसिकली अभी मैं गेट्स ऑफ शैडोज ग्राइंड करने वाला हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक सेट का रिव्यू 2 वीडियोस में होगा, यानी कि अभी इस सेट में हम मॉन्ग सेट का आधा रिव्यू करेंगे, फिर जो कंक्लूजन होगा मॉन्ग सेट का वो अगले वीडियो में आएगा ओके। और बेसिकली मैं एक ही वीडियो में पूरा का पूरा रिव्यू नहीं कर सकता क्योंकि देन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आई गेस मैं एडिटिंग कर करके मर जाऊँगा, इसलिए मैं जो ही ना 2 वीडियोज़ में डिवाइड करता हूँ जस्ट फॉर माई सेक, तुम्हें लंबा कॉन्टेंट भी देखने को मिल जाएगा और मेरे अंदर एडिटिंग करने की हिम्मत भी रहेगी। तो इसी वजह से मैंने डिसाइड कर रखा कि 2 वीडियोज़ में डिवाइड कर दूंगा मैं, एंड और कुछ तो बताने लायक नहीं है तो अगर तुम मेरे चैनल पर ना और तुम्हें एज ई शैडो फाइट 2 रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है चैनल को भी कभी जाकर सब्सक्राइब करो, बगल वाला बेल आइकन दबाओ ताकि मेरे जब भी नए वीडियो तो तुम सबसे पहले देख पाओ। इस वीडियो पे बहुत बड़ा बड़ा तुमसे कुछ समझो मोटिवेशन मिलती है, इस वीडियो को साथ शेयर करो एंड लेट्स जंप इनटू एक्चुअल वीडियो। तो आवाज़ यहाँ से तो बढ़ा ही लेते हैं एंड सेटिंग्स में भी चले जाते हैं क्योंकि या हाँ आवाज़ ओके द गेट्स अवेट्स यू। सबसे पहले हम सारे के सारे 6 डीमन से 1 by 1 करेंगे एंड वही गेट्स ऑफ शैडोज का भयंकर बीजीएम एंड या लुक एट दिस शैडो का नया गेटअप, मतलब ये देखो तुम टाइटन को हराने के बाद बंदे को उसकी शैडो बॉडी वापस मिल गई, क्या बात
एक सेकंड, नो मैजिक। फाइन, Dude, you are insulting me now, boy. Okay, one down, five more to go. Bring it on. आ गए अपने बुढ़े चचा और हरमिट, हड्डियाँ वड्डिया सही हैं क्योंकि बुढ़ापे में यू नो हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। देखने लायक होगा कि हरमिट अभी भी उसमें इतनी जान बची है नहीं। Fight in the dark. Oh. ओ भाई सप्लेक्स दिया मैंने डॉग ने, क्या सी परफेक्ट। आई एम स्टिल वर्दी ऑफ प्लेइंग दिस गेम, लिटरली आई एम स्टिल वर्दी। तुम लोगों को क्या लगा इतने मतलब एक साल से ज़्यादा ही हो गया होगा या एक साल से ज़्यादा हो गया, तो मैं यह लगा एक साल से मैंने गेम नहीं खेली तो भूल जाऊँगा इनको पीटना। भाई सही होता रहो, जिस बंदे ने किसी भी चीज़ को ऐसे परफेक्शन तक ले गया है ना, अगर तुम उस बंदे को 50 साल बाद भी वही चीज़ करने ले जाओ ना, तो भाई उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाइस, अभी तक तो खैर सब सही सलामत है, कुछ इतना खतरनाक नहीं आ रहा है। ओके नाउ इट्स टाइम फॉर वॉस्प। यार ये बहुत ज़्यादा रुला देती है, सही बता रहा हूँ मैं, इसकी इतनी गंदी एबिलिटी से। ओहो हो ओके आई कांट यूज किक्स। बेटे मौज कर दी आंटी, ओ भाई साहब बॉस को लिटरली मैंने सबसे कम टाइम में खत्म किया होगा, मतलब अब तक मैंने बॉस से जितनी बार भी लड़ाई लड़ी है उसके हिसाब से। प्लीज मुझे बस मेरे पैर लौटा देना, लेग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन शैडो फाइट 2। इफ नो लेग्स देन यू डीड। चल फिर से भाई बकलोली, अरे यार लेट रिस्पॉन्स, यही तो चीज है किसी को लेट रिस्पॉन्स करने में, मतलब बेटे बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह वाह, मैजिक भी गया, क्या वाह। लेट रिस्पॉन्स एलोल, आंटी घुप्पड़पंती करने वाली थी, मैंने कह दिया नो नॉट टुडे। हाँ तो मैं ये कह रहा था भाई लेट रिस्पॉन्स, किसी जिस गेम में तुम जितनी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स दे लोगे भाई उतना अच्छा है, क्योंकि लेट रिस्पॉन्स भाई मरो यार अगर तुम लेट रिस्पॉन्ड करोगे तो। लेट रिस्पॉन्स लिटरली नूबड़ों की क्वालिटी होती है, अगर तुम्हारे पास मौका है तो मौके पे चौका मारो, दैट्स इट, इन्वर्टेड मोमेंट। ड्यू ओ बेटे That's cheating, you know.
और राइट इन द फेस। कम ऑन ड्यूड, इनवर्टेड मूवमेंट भाई, या एक्चुअली काइंड ऑफ टफ। यू वेर नाइस, थैंक्स अ लॉट, बहुत मेहरबानी। अब देखो ये तो चलो फिर भी इतना कुछ नहीं था, ये तो फिर भी हमने जैसे जैसे गिर पड़ के कर लिया। असली मजा तब आएगा जब हम इन सारे डीमन से वन बाय वन इंडिविजुअली फाइट करेंगे, तभी तो भाई स्किल्स का पता चलेगा। ये तो एक राउंड जीत के भाई कोई भी खुद को 30 मार खान समझ सकता है। असली मजा तो तब भी आएगा जब तुम सारे डीमन से एक्चुअल में फेयर फाइट लड़ो, क्योंकि भाई कंटेंट भी तो चाहिए हमको, तुम लोगों को देखने के लिए वीडियो चाहिए, हमें पैसा चाहिए, दोनों का फायदा हो रहा है यहाँ पर। तो चलो भाई लगाते हैं लिनक्स से फाइट, और क्या इसी बहाने नॉस्टैल्जिया भी हो जाएगा, क्या कहते हो भाई? लिनक्स को हराए वो एक साल नहीं या एक साल से ज़्यादा हो गया, बट स्टिल वो BGM नॉस्टैल्जिया जगा देती है कि कैसे गिर पड़ के इसके साथ फाइट करी थी मैंने। सही बता रहा हूँ, पहले लगता था कि लिनक्स कितना ज़्यादा ओहो ताकतवर, ओ भाई ओ भाई ड्यू, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, मैं एक्चुअली मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। वेल नेवर माइंड भाई, अगर शैडो फाइट 3 के चैप्टर 2 की एंड चैप्टर 7.2 के एंडिंग में शैडो जो है वो यूज़ करता ना, क्या कहते हैं मॉन्ग सेट, तो भाई पक्का जीत जाता, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। भाई क्या चीज़ बनाई है, ये बंदा दूर जाके गिरता है हमेशा। मॉन्ग सेट ने सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत सीरियसली ले लिया भाई। लमाउनू तो गायब कितनी जल्दी हो जाता है, भाई चोक स्लैम ले तू पहले, नाइस। हाँ और वो कौन लोग थे जिन्हें लगता था कि मैं लेग्स के साथ बहुत बुरा खेलता हूँ? बेटा देख लो, ये होते हैं असली प्रो स्किल्स, और मैं खुद को बस प्रो कह रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद को ऐसे 30 मार खान नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि या मुझे पता है मैं 30 मार खान नहीं हूँ, मैं मे को लिटरली इक्लिप्स में नहीं हरा पा रहा, लिटरली बता रहा हूँ मैं, लिटरली। तुम लोग सही बोलते थे भाई, मे इज नॉट अ जोक। अभी तो भाई जब तो उसकी वीडियो आएगी उससे लड़ने की, जब मैं उससे 1-on-1 फाइट करूँगा भाई, तब तो मैं पता चल जाएगा कितनी पावरफुल है। और भाई आ गए अपने बुढ़े चाचा, चाचा पे बुढ़ापा छाड़ा है लेकिन तब भी रिफ्लेक्सेस इतने तेज है। ओ भाई व्यू, अरे मत करो बच्चा कमर टूट जाएगी। 68, अगर मैं से 1 सेकंड पहले क्लियर कर लेता तो सही बता रहा हूँ मीम्स बन जाते मेरे ऊपर तो, कि हाँ TLP का फेवरेट नंबर। ओहो यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने मेरे माइनक्राफ्ट का फील्ड ऑफ व्यू भी नोटिस करना शुरू कर दिया, मतलब जिस फील्ड ऑफ व्यू पर मैं माइनक्राफ्ट का एंगल खेलता हूँ वो नॉर्मल भी नहीं है। गजब बेइज्जती है भाई, क्या क्या तकलीफ है तक तुमको है?
तो मैं सही में गलत फहमी है कि मैं तुम लोग से पिट जाऊंगा? यार तुम तो बेइज्जती कर रहे हो मेरी है। और मुझे वो टाइम आज भी याद है जब मैं हरमिट पर स्ट्रगल किया करता था, लिटरली हरमिट पर स्ट्रगल किया करता था मैं। अगर तुम लोगों को टाइम याद हो तो तुम्हारी आई कम पाई थी, मैजिक मिस करवा दिया मेरा। बेटे भाई एक भी नहीं लगा, क्या रिफ्लेक्स देख रहे हो तुम मेरे? देख 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 कहां दूर भाग रहा है ये, इसकी आई सी कम ताई सी। नानी ओमाए वा मू शिंदे इरु, मैं तेरी उम्र का लिहाज नहीं करूंगा हरमेट। अब तो भाई दूर भाग रहे मुझसे, नहीं अच्छी बात है दूर भागो भाई तू, लेकिन इतना भी दूर नहीं। समझ रहे हो अब कुछ बहुत ही टेढ़े लोग जो गलत मीनिंग निकाल लेंगे कि टीएलपी भाई अपने शब्दों में क्या बयान करना चाहते हैं। अरे यार तुम बिना हद है, वहाँ हरमिट बुढ़ापे से मर नहीं रहा और यहाँ बचर है भाई साहब इसका पेट कम हो नहीं रहा, हद है यार। सही बता रहा हूँ, हर बचर का ये जो बीजेम है ना मुझे बड़ा अरे मूसा तो क्या है। बेटा तेरे पेट में मार मार के तेरा पेट कम करूंगा मैं, यही तरीका तेरा पेट कम करने का। परफेक्ट, ओ नाइस, बचर को पेट कम करने का यही तरीका, पेट में मारो, मैं भी देखता हूँ कैसे इसका पेट कम नहीं होगा। मना करता था मत खाओ इतने आलू के पराठे, लेकिन नहीं भाई हमारी तो एक नहीं सुननी किसी ने, सबको अपनी करनी है, कर लो भाई तुम। मैं ये सोच रहा हूँ बचर के पास ना कोई सरकारी नौकरी ना मतलब ऐसे इसका पेट, भाई साहब हाँ तो मैं यही कह रहा था, बचर के पास ना कोई सरकारी नौकरी है ना इसका पेट कम है, फिर भी इसकी शादी हो गई, अजीब है यार है। तुम लोगों का लगा मैं हार जाऊंगा नूब्स, भैया हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओ बेटे यार तू अभी मेरी बेइज्जती करवा ले रहा है यार। हाँ मैं यही कह रहा था यार, हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, हार तो यार हार भाई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में भाई, एवरीवन इज इजी पीजी फॉर मी लिटरली। अरे हद यार अब तो तुम मेरी ऐसी इंसल्ट करवा रहे हो, थैंक यू मैं। देखा जाए तो मैं अपने हर एक इक्विपमेंट पर लगा तो सकता हूँ, बट ओहो भाई बहुत है मेरे पास तो, क्या लगानी सही होगी? आई डोंट थिंक सो, बहुत भाई भाई हद है, बहुत मांग रहे हैं तुम ये तो, बट खैर स्टिल एनीवेज मुझे नहीं लगता मुझे इस पर सिंपल रेसिपी लगाने की कोई ज़रूरत है। एंड नाउ इट्स टाइम टू एंड द वीडियो, तुम लोगों को क्या लगा मैं वॉस वीडियो और शोगन को इसी वीडियो में हरा के सारा कंटेंट लूट लूँगा? नहीं, मैंने तुमसे वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि मैं थोड़ा कंटेंट प्रिजर्व करके रखूँगा, क्योंकि ऑफकोर्स तुम लोगों को सस्पेंस हाइप भी बिल्डअप होती रहेगी और मुझे पैसे भी मिलते रहेंगे, तो दोनों का फ़ायदा है तुम्हारा भी मेरा भी। एंड या अब टाइम आता है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, तो देखो अब जो है यहाँ तक है मई के फर्स्ट वीक से जो है मेरे 9th क्लास के UT1 एग्ज़ाम्स शुरू होने जा रहे हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है अब तुम्हें मेरी जो अगली वीडियो देखने को मिलेगी वो मई के 2nd या 3rd वीक में देखने को मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली। फर्स्ट वीक तो भाई कोई चांस ही नहीं है, 2nd वीक का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 3rd वीक का मैं 110% श्योर हूँ कि 3rd वीक तक तो मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो ही जाएंगे, तो तुम 2nd या 3rd वीक पकड़ के चलो, अगर 2nd नहीं तो 3rd वीक
कंफर्म। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है तब तक थोड़ा ऐसे होल्ड करके रखना, अपने जज्बातों को कायम करके रखना। एंड अगर तुम्हें इतना ही प्यार है मेरे वीडियो से तो मैंने काफ़ी बढ़िया बढ़िया सीरीज़ बना रखी हैं, शैडो फाइट 3 के स्टोरी मोड, शैडो फाइट 3 का इवेंट भी मैं बना रहा हूँ, और अपनी नॉर्मल एडिशन और स्पेशल एडिशन तो है ही शैडो फाइट 2 की, ऊपर से धमाकेदार वीडियो मैंने और ले आया हूँ, ऊपर से माइनक्राफ्ट और GTA भी मैंने शुरू कर दिए। अभी मैं कुछ खास रेस्ट कर नहीं रहा हूँ, बट स्टिल टाइम पास के लिए तुम फिर भी देख सकते हो अगर तुम्हें हंसना है तो। तो या आई थिंक आज की इस वीडियो के लिए इतना नफा, आप जब हम मिलेंगे तब तक मेरे 9th क्लास के फर्स्ट एग्जाम्स क्लियर हो चुके होंगे अब जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। सो या विश मी लक, कमेंट्स में एक बार अपना प्यार बता देना, और ये भी बता देना मैं कैसा गाया, मुझे पता है बहुत क्रिंज था, बट स्टिल प्लीज़ एक बार ऐसे खुशी होगी अगर ऑडियंस बताएगी क्या ऐसा गाया मैं, तो या एक बार कमेंट्स में ज़रूर बता देना। एनीवेज गाइस, ये थी आज की वीडियो, होप जो तुम लोगों को पसंद किया, अगर तुम चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल वाला बेल आइकन दबाओ ताकि मेरे जब भी कहने वीडियो तो तुम सबसे पहले देख पाओ। इस वीडियो में बहुत बड़ा वाला तुम सब जो तुम जो मोटिवेशन मिलती है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो। एंड अब तुम लोगों से मिलूंगा अपने एग्जाम्स के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।